सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्ला मसीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब भी कर लिया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज। जी अदील जी, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने NA 91 भखर से सनाउल्ला मसीखेल को इंतखाबात या इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट का अब इलेक्शन कमीशन को सनाउल्ला मसीखेल का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म भी आ गया है। चीफ जस्टिस ने आज यहाँ पर, आप कह सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का, उसको करदम करार दिया है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो 5 जनवरी का फैसला है उसको बरकरार रखा है। इलेक्शन कमीशन हुकाम से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या बैलेट पेपर छप चुके हैं, जिस पर हुकाम ने बताया कि बैलेट पेपर प्रिंटिंग के लिए तैयार हैं। वकील दरफास गुजार ने कहा कि सनाउल्ला मसीखेल का नाम इब्तदाई लिस्ट में शामिल था, इंतखाबी निशान भी मिल चुका है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब कर लिया है। अदील सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया।